मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को यह बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली या गाजियाबाद साइड से जो भीड़ आ रही है, लोग इमरजेंसी में अपने घरों से जाने के लिए निकले हैं। हम आज यहाँ छतरकट्टी बस अड्डे पर हैं। कल दोपहर बाद से ही यहाँ से इमरजेंसी किट की व्यवस्था कराई गई। रात में जितनी संभव बसें थी हमारे यहाँ सबको लगाया गया। साथ ही रात को कई सारे साधन जो कानपुर के तरफ ट्रांजिट होने के लिए आए थे, लेकिन उनके यात्रियों को, जो यात्री कानपुर आने वाले थे, उन सभी को बॉर्डर पर, चाहे बिल्लौर बॉर्डर हो चाहे दूसरे जगहों पर हो, वहां से उन्हें उतार करके कानपुर ले आने की, चाहे जो भी साधन रहे, हमारे पास बसे नहीं थे, हमने ट्रक से, ट्राली इत्यादि से जो भी साधन उपलब्ध हो सके, रात को उनको पॉइंट से यहाँ लाने, और जो उसको लेकर के यात्री अपने घरों की ओर जा रहे थे उनको यहाँ आने का ना उसे विलम्ब ना हो, उन्हें पहुँच सके, कोई असुविधा ना हो। और वहाँ पर ही जो है हमने टेम्परेरी व्यवस्था करते हुए कि कुछ जगहों के कम लोग हों उनको जो है अपने घरों की ओर रवाना कराया गया है। इस तरह से लगभग 150 से ज़्यादा बसें बिल्लौर साइड से वहाँ रूट की गई और हमने हर संभव साधन लगाकर उन लोगों को यहाँ पहुँचवाया। नहीं, ऐसी जो भी विषय आ रहे हैं, सारे रोडवेज और जो प्राइवेट जिलों में, सबको कहा गया है कि यथासंभव यदि कहीं क्रिटिकल स्थिति में है तो उसका बना लें, बाद में उन लोगों के लिए जो व्यवस्था होगी हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन इस समय जरूरत की स्थिति, जो भयावह स्थिति लोगों के सामने है, उनके पहुँचाने के यथासंभव पूरे प्रयास किए जाएँ और सब लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करने का, क्योंकि एक आपात स्थिति रही है और कानपुर आने के लिए बहुत सी बसें रूट हो रही हैं, तो कानपुर के लिए शासन के उच्च स्तर से भी पूरे निर्देश, पूरे सहयोग मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से, अपर मुख्य सचिव गृह महोदय, रोडवेज से और सब जगहों से कानपुर प्रशासन को पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिल रहा है। हम यथासंभव स्थितियों के अनुसार पूरी सुविधा करते हुए यहाँ से लोगों को निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं। कानपुर में भी जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग अपने घर जाना चाह रहे थे, उनके लिए यह कहा गया कि तुरंत पैनिक ना, धीरे धीरे जैसे जैसे लोग पहुंच रहे हैं उनके निकालने के लिए बसें लग रही हैं। अन्य स्थानों से भी भारी मात्रा में बसें मंगाई गई हैं। चित्रकूट से जो है अभी MD परिवहन महोदय ने बताया 100 से ज़्यादा बसें हमको दे रहे हैं कि जिससे यहाँ से हम लोगों को जो है उनके घरों की ओर रवाना करा सकें। साथ ही जो प्राइवेट साधन से लोग अपने घरों की ओर पहुंचने के लिए जा रहे हैं, उन सबको भेजने की व्यवस्था की जा रही है। यथासंभव जितने लोगों का संभव हो पा रहा है, सबकी थर्मल स्कैनिंग करके उनका रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है, नहीं तो जो बस का कंडक्टर है उन लोगों के रिकॉर्ड रखने के लिए उनको फॉर्मेट बनाकर निर्देश दे दिए गए हैं कि लोग उनसे जो है पूरी सूचना ले लें, क्योंकि नीचे तत्काल सबका पूरी सूचना लेकर हर जगह बैठाना संभव नहीं हो रहा है। एक आपाधापी और आकस्मिकता की स्थिति है।